अमेरिकॉम टचवुड मुझे ऑफर्स आते रहते हैं तो मैं चूज कर लेता हूँ जो उनसे मुझे फिल्म, इसलिए मैं थोड़ा चूजी हो गया हूँ कि कुछ डिफरेंट करूँ जब भी करूँ. दिस इज माई फोर्थ फिल्म. NSN. NSN. First was Maricom. Second, NSN. Third, Sarab ji. Thanks for coming. आपकी लालगंज में भी हमने एक्टिंग देखी है, एक जिद्दी और अड़ियल लड़की जिसको मति को हार देती है. यहाँ भी ऐसे हीरो का कैरेक्टर आता है, किस तरह की सिमिलैरिटी है या क्या आपका रोल है? वो बहुत सपोर्टिव रहा एक तरह से. तो मुझे कभी भी किसी के भी साथ काम करने से नर्वसनेस नहीं होती है, एक एक्साइटमेंट रहता है कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ. अभी देखते हैं ये जो जर्नी इनके साथ शुरू हुई है किस तरीके से जाती है. एंड दर्शन इतने सुलझे हुए हैं कि हम शूटिंग करने के पहले भी मिल चुके थे एक दो बार, तो हमें पता था कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है. तो कोई नर्वसनेस नहीं थी बिकॉज इन्होंने मुझे कभी ऐसा स्टारी एटीट्यूड दिया नहीं. जी ये फिल्म आज की मॉडर्न स्मॉल टाउन की ब्यूटीफुल लव स्टोरी बनी है जिसमें यू नो एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है. और ये फिल्म जैसा कि अभी शांति जी हमारे डायरेक्टर राइटर बता रहे थे कि यू नो इस फिल्म के अंदर जब हम लोग जब वो इस फिल्म को हमें हम जब रीडिंग कर रहे थे तो एक एक सीन जो हम यू नो पढ़ रहे थे उसके बाद उस सीन को लेके इंसिडेंट हमें बता रहे थे फिल्म का कि ना ये सीन मैंने वहाँ देखा था, उसके साथ घटा था, ऐसा ऐसा वहाँ हुआ था. तो ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको भी रियल लाइफ में लगेगा कि अच्छा ये तो मैं कहीं देख चुका हूँ, अच्छा ये मेरे पड़ोसी के साथ हुआ होगा, अच्छा ये प्यार इसको ऐसे मेरे दोस्त को हुआ होगा या आपको हुआ होगा. सो ये फिल्म आपको बहुत ईजिली रिलेट करेगी एक दूसरे से. सो ये फिल्म यू नो एक सबसे बेस्ट पार्ट की आपने फिल्में देखी होंगी जिसमें एक छोटे शहर का या उसका फ्लेवर होता है लेकिन वो बहुत मिसिंग होता है. इस फिल्म में आपको रियल फ्लेवर देखने को मिलेगा. आपको लगेगा कि आप यूपी में बैठकर हमने फिल्म शूट की है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर के अंदर बैठकर अपने सामने परफॉर्मेंस होते हुए या लोगों को बातचीत करते हुए देख रहे हैं. आपका करेक्टर किस तरह का बनने वाला है? मैं मिर्ज़ा प्ले कर रहा हूँ जो आज का लड़का है लेकिन उसकी सोच थोड़ी पुरानी है कि पहले प्यार फिर शादी और उसे प्यार हो जाता है और प्यार के बाद आप समझ सकते हो थोड़ी बैंड बन जाती है हर किसी की. सर, एज योर थिएटर आर्टिस्ट आप थिएटर जी, तो इजी रहा कि आपके लिए? हाँ, थिएटर जैसे मैं शायद अपने हर इंटरव्यू में बोला है कि थिएटर जैसे क्रिकेट में आप नेट प्रैक्टिस होती है, जब नेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं पर आप सीखते हैं कि बाउंसर्स को कैसे सिक्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो थिएटर वही है. तो फिल्म होता है आप T20 खेल रहे हैं. सो मैंने T20 के लिए प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी. तो वही जो मैं प्रिपरेशन और थिएटर का बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर दिन नया कुछ आप अपने कैरेक्टर के साथ ऐड करते हैं, डेवलप करते हैं और आप सीखते हैं कि कैरेक्टर्स को कैसे अपने रोल को कैसे डेवलप किया जाए. लाइक जूलियट कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट लाइक कि आपको नेक्स्ट डोर कोई ऐसा मिल जाएगा, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. और बहुत ही धमाल कैरेक्टर है, बहुत बिंदास है, बहुत बेबाक कैरेक्टर, मूवफट जिसको आप बोलते हैं, बहुत क्लीन हार्ट है, फियरलेस है और पैम्पर्ड किड है. अपने घर में बहुत प्यार से भाइयों के बीच में पली बड़ी है, उसको किसी से डर नहीं लगता. तो अगर वो अपने पे आ जाए तो मतलब मार भी दे किसी को. एंड जो उसने किया भी है फिल्म में, मतलब लोगों की बहुत पिटाई लगाई है. So the gun also has a literal significance. No, sir, I tell you what, gun के बारे में बोलूंगा कि she is herself in conflict in the film. Judy is herself a conflict in the film, so that's why the gun is there. So it gives shape to the character. कहते हैं प्यार में इमोशन बहुत होता है, पर सच तो ये है कि कंफ्यूजन भी उतना ही होता है. टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश है, शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है. टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया हूँ कि एक लड़की अपने आप को कितने हिस्सों में बांट सकती है. हाथ मत लगा, किसी की होने वाली बीवी हूं मैं, समझा ना? तू हमारे मामले में टांग मत अड़ा. ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब हमारा भी मामला है. अब अगर तुम हमारे साथ आ गई हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हमसे नहीं छीन सकती. इतनी गोली मारेंगे साले के मधुमक्खी के छत्ते में भी उतने छेद नहीं होते.
तो खामखा फंस गए तुम्हारे चक्कर में। साली मोहब्बत है ही कमी नहीं।